भाभी जी, आयरन लेडी, आप हमेशा याद रहोगे। एक्स एमएलए ज्योति भाभी, ज्योति पप्पू कालानी, शिक्षा क्षेत्र में सफल शिक्षिका के रूप में अपने शुरुआती दौर में पहचान बनाने वाली ज्योति कालानी का जन्म 17 फरवरी को हुआ। वर्ष 1995 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए उल्हासनगर की प्रथम महिला नगर अध्यक्ष बनी। उसके बाद लगातार अपनी जीत दर्ज करते हुए लगातार 7 साल तक उल्हासनगर मनपा में स्थायी समिति सभापति पद पर विराजमान पहली महिला, साथ ही साथ महापौर पद पर विराजमान देश की पहली सिंधी महिला महापौर होने का सम्मान प्राप्त किया। उल्हासनगर में सर्वाधिक समय तक विधायक पद पर रहने वाली महिला के रूप में सम्मान पाने वाली एक सशक्त महिला। शहर का कोई भी गंभीर मुद्दा हो, उस तकलीफ को खुद की तकलीफ समझकर दूर करने के लिए हमेशा हाजिर रहने वाली हम लाखों उल्हासनगर वासियों की माँ भाभी ज्योति कालानी जी का 18 अप्रैल वर्ष 2021 की शाम को दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में देहांत हो गया था। सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों ने दुखी मन से खबर फैलाई कि उल्हासनगर की पूर्व विधायक ज्योति पप्पू कालानी का दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से शहर में सदमे का माहौल देखने को मिला था। उल्हासनगर की सशक्त नेता, पहली सिंधी महिला महापौर व विधायक के खिताब को प्राप्त कर चुकी ज्योति कालानी को हमेशा शहर याद रखेगा। भावुकता से शहर के सभी नेताओं, पत्रकारों, एनजीओ, व्यापारी संगठनों व शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज हमारी भाभी ज्योति कालानी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे आदरांजलि।